अब तक आपके घर की जो था शोभा, वो आज फैला रहा है किसी और के घर में बीमारियां। यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब हमारे काम के नहीं रहते, तब वे पर्यावरण के लिए बन जाते हैं ई वेस्ट। और ये वेस्ट कोई मामूली वेस्ट नहीं है, क्योंकि इन उपकरणों में मौजूद होते हैं मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम और प्लास्टिक्स जैसे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, जो इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हैं। आज देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं देश के लाखों लोग। नियमानुसार ना चल रहे इस क्षेत्र में ये लोग कूड़े कचरे के प्रोसेसिंग के दौरान जहरीले केमिकल्स के संपर्क में आते हैं। और तो और, इस वेस्ट में मौजूद होते हैं सोना, चांदी और तांबे जैसे कई कीमती पदार्थ भी। एक तरफ हम दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करने वाला देश बन रहे हैं, तो साथ ही में दूसरी ओर हम ई वेस्ट भी उतना ही ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। अब साथ मिलकर तय करें कि हम हमारे ई वेस्ट को कहीं भी नहीं फेंकेंगे, हम करेंगे उनका केवल साइंटिफिक डिस्पोजल, ताकि हम यही वेस्ट को कर सकें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और ये प्रोसेस के लिए भारत में कार्यरत है करीब 150 जितने ई वेस्ट ऑथराइज्ड रिसाइकलर। फिर आपको करना बस ये है कि अपने ई वेस्ट को इकट्ठा कर उसे पहुंचाएं नजदीकी ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक, जो कि इन्हें पहुंचाएंगे इनकी सही मंजिल तक। यहां पर ही तो वेस्ट से होगा वेल्थ का निर्माण, वो भी बिना कुदरत या इंसान को नुकसान पहुंचाए।